तो आज वीवीए प्रोग्रामिंग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग। अब पहले समझिए कि इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग है क्या। जैसे कि आपने कोई वीवीए प्रोग्रामिंग बनाया तो उसको रन करने के लिए आपको यहां सिलेक्ट करके माइक्रो लिस्ट में रन करना होता है, या किसी बटन पे क्लिक करके रन करना होता है, या शॉर्टकट प्रेस करके रन करना होता है, राइट। जैसे मैंने एक सिंपल सा मान लीजिए कि माइक्रो बनाया सब आर करके, इस माइक्रो को एमएससी बॉक्स दे देता हूं मैं, यहां पे हमने दे दिया हाय। अब ये माइक्रो रन कब होगा, जब मैं माइक्रो लिस्ट के ऊपर इस पे क्लिक करूंगा तभी रन होगा, या फिर मैं इसका शॉर्टकट बना लू या किसी बटन पे इसको असाइन कर दू तो ये रन होगा, अदरवाइज रन नहीं होगा। okay? लेकिन मुझे इसको रन करना है, मुझे इसको रन करना है किसी एक पर्टिकुलर इवेंट में। जैसे मान लीजिए कि मैं जहां भी क्लिक करूं वहां पे मेरा कलर हो जाए, जहां भी मैं क्लिक करूं वहां पे मेरा कलर हो जाए, तो हमने राइट क्लिक किया मूव इसमें व्यू कोड में, मतलब जिस सीट पे करना है उसी पे डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे लोकेशन और यहाँ पे इवेंट, जैसे कि हमारा सिलेक्शन चेंज है। अब यहाँ पे मैंने मान लीजिए लगा दिया कि एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड, इसमें लग गया वीवी रेड। अब मैं जहां भी क्लिक करूंगा मेरा कलर रेड हो जाएगा। तो जो कलर रेड करने वाला जो कोड है, कोड कब परफॉर्म हो रहा है, जब मैं कहीं भी क्लिक कर रहा हूं, मतलब आप उसको माइक्रो लिस्ट से या किसी बटन से या शॉर्टकट से रन नहीं कर सकते, वो रन होगा आपके किस पर्टिकुलर इवेंट में। जैसे कि एग्जांपल मैं सीट 5 में क्या चाहता हूं कि मैं जहां कर्सर रखूं सिर्फ वहीं पे कलर हो, उसके अलावा किसी भी सीट पे कलर ना हो, तो मैं यहां सीट 5 पे डबल क्लिक किया, सीट 5 के ऊपर हमने डबल क्लिक किया। हेलो जी, हेलो, वर्कशीट को सिलेक्ट किया और यहाँ सिलेक्शन चेंज ही है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने यहाँ पे सेल्स मतलब कि पूरी शीट को लिया और हमने बोला इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू एक्सल NONE, मतलब कि कोई कलर नहीं, और फिर एक्टिव सेल डॉट कलर देना है दे देता हूं यहां पे। अब आप देखेंगे कि मैं जहां कर्सर रख रहा हूं वहीं कलर हो रहा है, बाकी कोई एरिया मान लीजिए मैं सिलेक्ट करके और इस पे मैंने कलर भी अप्लाई कर दिया, अप्लाई दिख रहा है, लेकिन जैसे कहीं क्लिक करेंगे सारे कलर हट जाएंगे। तो इस तरह की जो वैलिडेशंस है वो इवेंट माइक्रो के थ्रू लगाई जाती है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं जब तक आप पासवर्ड ना डालेंगे तब तक सीट 1 पे नहीं जा सकते, तो मैंने क्या किया सीट 1 पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे वर्कशीट को सिलेक्ट किया और सिलेक्शन चेंज के जगह पे हमने एक्टिव को ले लिया और यहां पे मैंने बोला कि डिम पी एज ए डिफाइन कर दिया हमने इनपुट बॉक्स एंटर पासवर्ड, कंडीशन दिया कि ए पी इक्वल टू 1 2 एंड सीट 1 डॉट सिलेक्ट,
एसिस दे एम एस जी बॉक्स पासवर्ड इनकरेक्ट और यहां पे यहाँ पे एंड इन तो करेंगे करेंगे। अब जैसे हम सीट वन पे जाएंगे मुझसे पासवर्ड पूछेगा, जैसे पासवर्ड हमने डाल दिया 1 2 तो यहाँ पे मुझे अब काम करने दे रहा है। अगली बार मैंने पासवर्ड में कुछ गलत सलत डाल दिया एंड ओके किया, पासवर्ड इनकरेक्ट ओके करते ही मुझे सीट 3 पे मूव कर दिया। तो सीट 1 पे मैं बगैर पासवर्ड का नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो कोडिंग आप वही करेंगे जो अभी तक आपने सीखा है, बट इस कोड को रन कब करना है ये डिसाइड करेगा आपका इवेंट। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है कोड, ध्यान से देखिएगा। यहां वर्कशीट सिलेक्ट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। एक्टिवेट, जब सीट हमारा एक्टिवेट हो, बिफोर डिलीट, सीट को डिलीट करने से पहले कोई मैसेज देना चाहते हैं, डबल क्लिक करने से पहले कुछ देना चाहते हैं, राइट क्लिक करने से पहले, कैलकुलेट करने से पहले, चेंज करने से पहले, कैलकुलेट मतलब कि कुछ ऐसा आपने डाला जिससे फॉर्मूला चेंज हो रहा है तो कैलकुलेट आएगा, चेंज मतलब कि कोई भी डेटा अगर चेंज करते हैं तो, डीएक्टिवेट एक सीट से दूसरे सीट पे जाने के लिए, फॉलो हाइपरलिंक किसी लिंक पे क्लिक किया, लेंस गैलरी रेडर कंप्लीटेड, अगर कोई गैलरी से अगर कुछ आपने डेटा इंपोर्ट कर रखा है अगर उससे उसकी में कोई चेंज होती है तो इसका यूज होता है, पिवट टेबल से रिलेटेड सारी चीजें हैं, सिलेक्शंस एंड टेबल अपडेट्स। तो ये इतने इवेंट्स आप लगा सकते हैं, ठीक है। डाउट इसमें सर? और रही बात इसकी एग्जांपल्स की, तो आप लोग ट्राई कीजिए और कुछ एग्जांपल बनाइए, फिर मेरे पास कुछ एग्जांपल है जैसे छोटे छोटे, तो मैं आपको तीन एग्जांपल तो मैंने दिया, एक कलर हटाने का, एक कलर करने का, दूसरा सीट में पासवर्ड लगाने का, किस तरह से सीट में पासवर्ड लगा सकते हैं, कोई सीट अपने हिसाब से रखे। इसके अलावा और भी चीजें हैं जिसका यूज आप कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सीट 5 में, सीट 6 में आता हूं, मैं यहां पे नेम डाल दिया, डेट डाल दिया, नेम डाल दिया। मैं चाहता हूं कि इसमें अगर मैं कोई नाम लिखूं तो डेट और टाइम ऑटोमेटिकली आना चाहिए, राइट, डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना हो, तो इसके थोड़ी स्थिति गर्म करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि मान लीजिए मैंने यहां पे पूजा लिख के एंटर प्रेस कर दिया तो मेरी सिलेक्शन तो A3 है ना, तो पहले पता करना होगा लास्ट सिलेक्शन। तो मैं यहां पे डिम आर एज ए रेंज ले लेता हूं और फिर मैं यहां वर्कशीट और सिलेक्शन चेंज में करता हूं कि सेट आर इक्वल टू एक्टिव सेल, उसके बाद फिर मैं यहां पे चेंज को लेता हूं, चेंज, और यहां पे देता हूं कि आर डॉट ऑफसेट हमने दे दिया 0 रो एंड कॉलम 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डेट, आर डॉट ऑफसेट 0 2 डॉट वैल्यू इक्वल टू फॉर्मेट, टाइम के लिए फॉर्मेट देना पड़ेगा ना, क्योंकि नाउ कॉमा डेट एंड टाइम आता है ना इसमें।
यहां पे ये तो हमने कर दिया, लेकिन यहां पे एक छोटी सी दिक्कत है। हमने बोला कि वर्कशीट पे कोई भी चेंज हो तो हमारा कोड रन हो जाए। अब कोड क्या कर रहा है, वो भी तो चेंज कर रहा है ना, क्या मैं एक बार नोटपैड में कोड रख लेता हूं और फिर बताता हूं। अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पे पूजा एंटी करके एंटर मारा, अरे आगे ना सर, क्यों? क्योंकि बार बार वो चेंज होते चला जा रहा है, इसलिए। तो यहां पे हमें एक छोटा सा कोड करना होगा कि एप्लीकेशन डॉट अनेबल इवेंट, इवेंट्स इक्वल टू फॉल्स, और यहां पे हम ट्रू कर देंगे। देखिए क्या होता है, आ गया नीरज, ठीक है। एक कोड समझ में आया किसी को? डाउट तो नहीं किसी को? हेलो हेलो सर, इसमें किस होने हैं, इसमें आपने जो भी मारे जा रहे हैं, तो जितनी बार जो भी आप कर इसमें चेंजेस करेंगे तो उसको बार बार इतना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ये क्या होगा, सबसे पहले क्या हो रहा है, हमने ग्लोबल वो किसी माइक्रो का पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले जब हम क्लिक करें, जैसे हमने मान लीजिए कि जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया A6, तो A6 को R पे स्टोर कर दे रहा है, फिर उसके अगले सेल में डेट डाल रहा है और टाइम डाल रहा है, कब? जब हम वैल्यू को चेंज करते हैं, ठीक है, चेंज करते ही। अब चेंज करने के बाद ये जो कोड चल जाएगा, उसके बाद अगला सेल इस पे लोड होगा, बात समझ रहे ना? चेंज करने के बाद भी तो यहाँ पे कर्सर ही रहा है, तो उससे पहले कोड रन होगा उसके चेंज होगा, एंटर नीचे आएगी, तो फिर अगली सेल्स का जो रिजल्ट है यहाँ पे, अगली सेल्स का लोकेशन यहाँ पे, ये सेल लोकेशन के लिए है, क्योंकि बहुत सारे लोग एंटर मारते हैं, कुछ लोग टैब मार देते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ओम लिखा और टैब मार दिया, इसलिए हमें यहाँ पे दिया। दूसरा चीज कि जब हम टाइप कर रहे हैं वो चेंज हो रहा है, तो चेंज होने के बाद वैल्यू डली जा रही है, वीवी डेट डाल रहा है, तो डेट डालना ये भी तो सीट के अंदर चेंज ही हुआ ना, ये माइक्रो कंटिन्यूस रन हो जा रहा है, चेंज हुआ फिर टाइप किया फिर चेंज फिर टाइप फिर चेंज टाइप, इसलिए इसको एरर दे रहा है, क्योंकि इसकी स्टॉपेज पॉइंट नहीं मिल रही। तो आप इन इवेंट्स पे एक बार जो है अपने एंड से प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको एक दो चार एग्जांपल मैं और बताऊंगा इस इवेंट्स के बारे में। कोड वही डालना है जो ना अभी तक जिसने जो आपने सीखा है, इसके लिए कोई स्पेशल कोड नहीं है, जैसे देख रहे हैं आप। हाँ थोड़ा सा ट्रिक है, तो आप खुद से ट्राई करेंगे तो ट्रिक्स के बारे में आपको ज्यादा बेटर पता चलेगा।